नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर बागवानी। और आज है 29 दिसंबर, जो कि चल रहा है 2020 का आखिरी दिन चल रहा है। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने गार्डन टूर, जो कि साल का आखिरी गार्डन टूर आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ठंडी का मौसम है, और ठंडी का मौसम जो होता है विंटर्स का, वो क्रिसैंथेमम के बिना सूना होता है। और ये देखिए हमारे गार्डन में भी अब क्रिसैंथेमम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर से ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी हुई है, थोड़ा सा लेट हुई मैं। और यहाँ पर देखिए मरून कलर का क्रिसैंथेमम, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। ये मैंने 3 पॉट लगा के रखा हुआ है। साथ में ये पिंक देखिए, जो कि अभी खिलने वाला है, अबाउट टू ब्लूम है, ये भी बहुत ही शानदार दिख फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये है एक पोमपोम वैरायटी की क्रिसैंथेमम, जो कि है येलो और मरून शेड में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका शेड। जूम करके आपको दिखाती हूँ, जो कि अभी खिलेगा, जब पूरा खिल जाएगा ना, तब आपको उसका जो है शेयर करूँगी मैं, उसकी पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। और सामने फंगीसाइड मेरा छीटा हुआ है, क्योंकि हर 15 दिन में आपको फंगीसाइड छीटना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक अलग शेड है, जो कि बहुत ही प्यारा है, और अभी ये अपने आप से निकल गया था। एक्चुअली मैंने इस साल गार्डन जब अपना साफ कराया, तो सारा क्रिसैंथेमम हमारा निकल के फेंका गया था, तो ये एक बचा हुआ है ये कलर। और ये देखिए, ये पिंक वाला बहुत ही प्यारा है, और ये लगा हुआ है हमारे जिंटी फ्लावर, जो कि वैजयंती फ्लावर बोलते हैं, उसके साथ लगा हुआ है ये। और वैजयंती फ्लावर जो है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, हर्बल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो ये जिंटी फ्लावर्स के साथ लगा हुआ है। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर आपको सदाबहार की अब मैं दिखाती हूँ, ये पर्पल सदाबहार है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपके गार्डन में बहुत ब्यूटी ऐड करता है, और सालों भर आपके घर में सदाबहार ही लाए रहत। और ये पिंक देखिए, पिंक वाला जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सदाबहार आपको हमेशा लगाना चाहिए, पेरीविंकल जो आपके गार्डन में सदा के लिए हमेशा ही बटरफ्लाइज भी बुलाता है, बीज भी बुलाता है, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है आपके लिए, और बहुत सारी वैरायटीज में मिलता है। उसके साथ आपको दिखा रही हूँ अपनी बिगोनिया, जो कि हमारी जो रेड बिगोनिया है वो तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है, मगर जो पिंक बिगोनिया है वो देखिए अभी फ्लावरिंग नहीं कर रही है। और ये निग रखा था मेरे बालकनी में, जिसे कि हमने ऊपर लेके आ गया है। साथ में अभी विंटर्स, जो कि एक्सट्रीम विंटर्स आ गए हैं, दिसंबर का लास्ट है, न्यू ईयर आने वाला है, 2021 आने वाला है, और आशा करती हूँ कि 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो ये प्लूमेरिया बहुत अच्छे से खिला हुआ है। साथ में ये देखिए कनेर, जो कि गर्मियों का फ्लावर है, इसकी भी 3 शेड है, ये हमारे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और इसकी बहुत अच्छी स्टिक हुई है। तो आपको अपने गार्डन में कनेर ज़रूर ऐड करना चाहिए, बहुत सारे रंगों में आता है, अभी मैंने वाइट भी ऐड किया है अपने गार्डन में। उसके साथ ही आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा हजारी मोगरा, जो कि अभी खिलेगा, तब इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगी। और कुछ हिबिस्कस येलो वाली तो सदा ब्लूमिंग करती रहती है, और ये देखिए एक देसी लोकल है, ये भी सदा ब्लूमिंग करती रहती है, तो ये देखिए। उसके साथ आपको सिलोसिया, बहुत ही प्यारा ब्लूमिंग कर रहा है ये। और ये एरिया थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ अपना सेटअप चेंज किया है, जो कि मेरे बच्चों ने चेंज किया है, और उन्हीं का डिमांड था कि हमको अपना चेंज करना है, तो ये कॉर्नर बनाया है, जहाँ पर कि सारे मेरे विंटर्स है, मैरीगोल्ड है, जिन्हें की धूप प्रॉपरली अभी नहीं मिल रही है, ये सारे नीचे रखे थे, तो अब मैंने धूप में इन्हें ऊपर लेके आ गया है। और मैं दिखाऊं तो मेरे कलौंची जो है, हैबिट कलौंची, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है पिंक खिलने वाला है, ये शायद पिंक का सारे में आ गई है। और इस जब रात बढ़ने लगती है, रात लंबे होने लगती है, तब जाके आपके जो कितने कैलेंचू हैं उसमें बहुत अच्छे से बडिंग आने लगती है। तो कैलेंचू वैसे तो सेड लविंग है, मगर जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स, तो इसको आपको धूप में रख देना चाहिए। और ये देखिए मेरे कैलेंचू बहुत अच्छे से अब बडिंग स्टार्ट कर दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर है, जो नीचे हमारी धूप कम आती है वहाँ पर। और यहाँ पर सारा हमने रखा है अपना क्रिसैंथेमम का कलेक्शन रखा है, साथ में जेट फ्लावर, जेट जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अभी अच्छी चल रही है। और फ्रेंड्स ये कॉस्मोस, जो कि आपको अपने गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए, उसमें भी फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, बडिंग स्टार्ट हो रही है, येलो ऑरेंज बहुत सारे कलर्स में ये आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे एनुअल क्रिसैंथेमम, जिसे कि डेजी भी बोला जाता है, शायद वाइट वाइट, और इसकी पत्ती
बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, तो उसमें सब में अब ब्लूमिंग होने वाली हो रही है। मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, तो इसमें भी बहुत अच्छे से अब खिलने वाला है फ्लावर। और डहलिया का अगर मैं प्लांट दिखाऊँ तो उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर कुछ डहलिया, नीचे में कुछ डहलिया, डेजी में भी हमारे फ्लावर्स आ गए, अब आने वाले हैं, बर्ड्स आ गई हैं। और स्ट्रॉबेरी का दिखाऊँ हाल, तो ये देखिए मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो कि अभी भी ट्रांसप्लांट नहीं हुए, उस पर मेरी सेपरेट वीडियो आ जाएगी। और ये हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स दिखिए, बड़े अच्छे से स्ट्रॉबेरी लटक रहे हैं। और गिलहरियाँ जो हैं वो भी बहुत अच्छे से खा रही है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने अपना गार्डन सेटअप किया हुआ है। चलिए अब दूसरे एरिया में अपने लेके चलते हैं। और ये डेजी देखिए, डेजी में बहुत अच्छे से बडिंग चालू हो गई है। सॉरी, एस्टर में देखिए बहुत अच्छे से अब सारी कलियां आ गई हैं। और एक हमारा जो एस्टर का प्लांट है, इसे ओवर फर्टिलाइजेशन हो गई है और ये अब ख़त्म होने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरे एडेनियम के प्लांट्स में देखिए, सारे प्लांट्स में बहुत अच्छे से अब बडिंग आ रही है। ये देखिए बहुत अच्छे से बडिंग चालू हो गई है। और ये देखिए ये हिबिस्कस जो कि एक 6 इंच के पॉट में लगा है, जीनिया भी कुछ उसमें से कली निकल रही है। और ये हमारे रोज़ के प्लांट देखिए, रोज़ बहुत ही ज़्यादा प्लांट सुंदर लग रहा है अभी। कुछ इधर भी क्रिसैंथेमम है जो कि छोटे छोटे प्लांट हैं, अपने आप सूख जाते हैं। और बिगुनिया अभी भी शानदार फ्लावरिंग कर रही है, एक बार फूल के फिर से ये सेकेंड जो है अपनी फ्लावरिंग कर रही है। उसके साथ कुछ इसमें बेबी टीयर्स लगे हैं जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। और उसके साथ ये हमारे मैरीगोल्ड जो कि बहुत पुराना पौधा है और अभी तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। आपको उसके पुराने फूल जो है उनको सबको निकाल देंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगी ये मैरीगोल्ड जो है, बहुत प्यारी फ्लावरिंग कर। और ये हमारा नीलकंठ जो कि अभी भी बहुत प्यारा ब्लूम कर रहा है, बहुत ही शानदार ब्लूम कर रहा है हमारा ऑरेंज वाला नीलकंठ। और फ्रेंड्स, ये मालाबार स्पिनेच में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए कितना प्यारा फ्लावर्स है इसके, मालाबार स्पिनेच के। और ये मेरे गार्डन का सबसे सुंदर फूल है, नींबू का फूल, बहुत ही प्यारा है देखिए। और जब बेबी रहता है तो इतना मरून ब्लैक कलर का होता है, उसके बाद ये हरा होते जाता है। और इसमें मेरा एयर लेयरिंग किया हुआ है इस पौधे में, ये देखिए। और ये बहुत अच्छे से फ्लोटिंग कर रहा है। और फ्रेंड्स, अभी जो है गुलाब में बहुत अच्छी अभी फ्लावरिंग होने वाली है, एक झड़ चुका है और सेकेंड फेज अब चालू होने वाली है। इस गुलाब का कलर देखिए बहुत ही प्यारा है और इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत सुंदर कलर का, डीप रेड पिंक है ये कलर। और ये है एक मल्टी सीडेड गुलाब जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अब ये स्पेंड होने वाला है सूखने के बाद, देखिए जब ये डार्क रहता है, जब न्यू रहते हैं तो ऐसे रहते हैं और सूखने के बाद ऐसे पीले होते जाते हैं। साथ में इस कलर की शेड देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये मिनिएचर वाला हमारा रोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा झड़ा हुआ अभी खिल के, और फिर से पूरा बडिंग होने वाली है। एक बार हमारे गार्डन में गुलाब बहुत अच्छे से खिला हुआ और अभी जो है ये फिर से जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो जो होगी गार्डन टूर की, जो मेरे टेरेस का गार्डन है, उसका आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और न्यू ईयर जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए आप सभी, अपना ध्यान रखते हुए। और कोरोना काल में उस सारी जो है हमको सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, वो सब सावधानियाँ बरतते आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए अपने न्यू ईयर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय। और ये देखिए हमारे घर में इतने प्यारे प्यारे से गुलाब खिले हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर है और पूरा कलियों से भरा हुआ है। ये है पिंक रोज़, येलो रोज़ भी बहुत प्यारा सा खिला हुआ है हमारे गार्डन में, जो कि जब नया होता है, जब नया नया ब्लूमिंग करता है तो एकदम डीप येलो होता है। और वहाँ पर आप कलियाँ भी देख सकते हैं, एकदम डीप येलो कलर का होता है। और जैसे ही ये पुराना होते जाता है तो ये देखिए इसके कलर चेंजेस होते जाते हैं। साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा रोज़, जिसकी सेंट जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो इतना दूर तक मुझे इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। और ये देखिए पूरा रोज़ फ्लावर से ये जो गुलाब का पौधा है मेरा पट गया है। और उसके साथ एक और दूसरा वैरायटी दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है ये। तो रोज़ भी हमारे बहुत प्यारे खिल रहे हैं।
विंटर्स का सीज़न है और देखिए हमारे गार्डन में इतना प्यारा चंपा खिल रहा है। चंपा भी हमारे गार्डन में रंग बिखेरने में एकदम आगे है। ये देखिए चंपा।